नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। रुक करते हैं उसकी खबर पे, बात करते हैं पाली की। साइकिल पाकर छात्राओं के खिले चेहरे, मुख्यमंत्री जी का जताया आभार। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत पाली शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित बलिया स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल वितरण की गई है। वही साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखी गई। लाभार्थी छात्राओं ने बताया है कि हमारे घर से स्कूल की दूरी बहुत है और हमें 2 से 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, जिससे समय भी हमारा खराब होता है और अब हम स्कूल समय पर भी आ सकेंगे और पढ़ाई करने के लिए ज्यादा समय भी मिलेगा। सरकार द्वारा जो हमें ये तोहफा दिया गया है, उनके लिए मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त किया। विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापक सुखदेव धवल एवं साइकिल वितरण प्रभारी ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आज 2022 एवं 2023 दो साल की साइकिल जो छात्राएं 9वीं में पढ़ती थी और अब 10वीं में प्रवेश किया है, उन्हें सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण की गई है। अपने राज्य सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है निःशुल्क साइकिल वितरण, तो ये बालिकाओं के लिए विशेष तौर से है। तो इसमें अपने 2 सत्र की साइकिलें एक साथ मिली हैं। तो जो बच्चियां 2022-23 के अंदर जो 9 कक्षा 9 में अध्ययनरत थी और इस बार जिन्होंने 10वीं की परीक्षा दी है, तो वो हमारे बाल्य स्कूल की 252 बच्चियों को साइकिलें वितरित की जा रही है अभी आज। और जो इस सत्र में 9th पास की जिन्होंने और अब 10th में आई है, वो सत्र 23-24 की, उसके लिए 230 साइकिलें वितरित की गई है। इससे बच्चियों को आने के लिए सुविधा रहेगी और उनको बराबर रूप से वितरण किया जा रहा है बच्चियों को। और जो बच्चे नहीं आ रहे उनके अभिभावकों भी आधार कार्ड के आधार पर वितरित किया जा रहा है, जो गांव गई हुई है या छात्रावास में रहने वाली है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखदेव धवल है, बाल्य स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत।